क्योंकि खाने का भी टाइम नहीं हुआ। टाइम क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये इसका वो टोपा। ओ यार, ये तो हमने कहीं गिरा दिया, शायद हम दुकान पे। ये क्या कर रहे हो? ये चाय थोड़ी पान रही है कि बीच में आप कुलचे डाल रहे हो। गाय है, बछड़ा है? बछड़ा है। तो शायद इसको भी कोल्ड ड्रिंक चाहिए। पिलाते जरा इसको भी कोल्ड ड्रिंक। ये लो, शाबाश। ये तो साथ में पीने को आ गई। खुश आमदीद है आप सब दोस्तों का आज एक बार फिर एक और नए व्लॉग में। जैसा कि आपको पता है कि पिछले 5-6 महीने से मैंने कोई व्लॉग नहीं किया है, तो कुछ मसरूफियात थी जिनकी वजह से मैं व्लॉग नहीं कर पाया। तो आज काफ़ी टाइम के बाद मौका मिला एक और नए व्लॉग में। तो आज जो मेरे साथ मेरे दोस्त हैं जिनको आप शायद जानते होंगे, वेलकम करते हैं हम आपका। तो इनका नाम तो मैं आपको नहीं बताऊँगा, शायद पहली काफ़ी वीडियो में इन्होंने मेरे साथ काम किया है। तो अगर आप इनको जानते हो तो ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा इनका नाम, ठीक है? तो जैसे आपने सुना दोस्तों, काफ़ी लोग मोटो व्लॉग करते हैं, ट्रैवल व्लॉग करते हैं। तो आज का जो हमारा व्लॉग है वो कौन सा व्लॉग है जनाब? फूड कॉम ड्रिंक व्लॉग है। तो शायद पहली बार आपने सुना होगा कि फूड व्लॉग भी कोई व्लॉग होता है। सुना तो होगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मीन्स काफ़ी कम लोग करते हैं फूड व्लॉग। तो आज हम, मौसम भी काफ़ी अच्छा है, धूप लग रही है, तो दोस्तों निकलेंगे अब हम फूड व्लॉग करने के लिए। तो इस खुशी में हमारे दोस्त कहाँ पे चढ़े, शायद ये सोच रहे हैं कि मैं बाई एयर यहाँ से जाऊँगा, तो ऐसा तो नहीं होगा, यहाँ से नीचे ही उतरना अच्छा रहेगा इनके लिए। तो अब हम यहाँ से निकलेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ, थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। चलेंगे अब हम फूड व्लॉग के लिए। तो जनाब क्या लेना आज हमने फूड व्लॉग में, वो तो डिसाइड होगा, बने रहिएगा। तो चलो चलते हैं फिर, चलिए। पहुंच चुके हम चौगान के ग्राउंड में। जो चीज़ हमने खाने के लिए लेनी थी, खाने के लिए तो नहीं लेनी थी, फिलहाल पीने के लिए ली है, क्योंकि खाने का भी टाइम नहीं हुआ। टाइम क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये इसका वो टोपा। ओ यार, ये तो हमने कहीं गिरा दिया, शायद हम दुकान पे, मैंने इसको निकाला था, उधर तो नहीं गिर गया? मुझे पता ही दोस्तों, इधर एक कांट हो गया जो इसके आगे जो टोपा जैसा होता है। जो ये इसको क्या कहते हैं, स्पीकर कहते हैं ना, ये माइक, माइक तो माइक के आगे का जो टोपा जैसा होता है वो कहीं हमने गिरा दिया है। तो पहले हम चलते हैं उसको ढूंढ के लाते हैं, तो उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों टोपा हमें जाके मिला है दुकान के आगे से, जहाँ से हमने ये कोई सामान लिया था, ये सामान लाया था हमने, तो उधर ही कहीं जेब से गिरा, तो ये उधर ही पड़ा था। तो ये जरा करो फिट जनाब, अब तो हो जाएगी ना बात। तो अब मैंने सोचा वीडियो बनाते बनाते ऐसा ना हो ये इसका टोपा ही गिर गया था, तो टोपा मिल गया। तो ये है चौगान का ग्राउंड। तो दोस्तों अभी खाने का टाइम नहीं हुआ था, तो हमने सोचा पहले कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, तो उसके बाद यहाँ पे ग्राउंड में एक मैच भी है। सीधा आप हमारे पीछे देख सकते हो झंडे लगे हुए, तो वहाँ पे एक मैच है, यहाँ पे एक टूर्नामेंट चल रहा है, वहाँ पे हम मैच देखेंगे, तो उसके बाद खाएंगे खाना। तो फिलहाल जनाब आप ये
करो डिवाइड। ये क्या कर रहे हो? ये चाय थोड़ी पान रही है कि बीच में आप कुलचे डाल रहे हो। ये चाय में कुलचे नहीं पड़ रहे हैं, बल्कि ये पीनट पड़ रहे हैं कोल्ड ड्रिंक में। तो ये एक नया सिस्टम है यहाँ पे फूड ब्लॉग करने का। तो देख सकते हो दोस्तों आप, ये सीन किया हमारे जनाब ने। इधर देखो आप, पीनट में कोल्ड ड्रिंक डाला है दोस्तों। ये आ गई है गाय, तो ये भी आ गई है हमारे गाय है, बछड़ा है, बछड़ा है। तो शायद इसको भी कोल्ड ड्रिंक चाहिए, पिलाते हैं जरा इसको भी कोल्ड ड्रिंक। ये लो शाबाश। ये तो साथ में पीने को आ गई है। थैंक यू, जा सकते हो आप। तो कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद हमने सोचा था कि मैच देखेंगे, लेकिन मैच यहाँ पे अभी शायद नहीं है, क्योंकि आज काफ़ी धूप है। तो मैच मुझे लगता है 2 बजे के बाद ही होगा, 2 बजे के बाद है मैच। तो हमने ये सोचा था कि मैच के बाद हम बड़ा खाना खाएंगे। बड़ा खाना क्या होता है जी? किसी होटल पे खाएंगे, लेकिन आप मूड नहीं है खाने का। चलो कभी फिर खाएंगे। तो इस ब्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। हमारा जो फूड ब्लॉग था वो कोल्ड ड्रिंक ब्लॉग पे ही ख़त्म कर दें हम इसको। तो आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, थोड़ी कमी है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द चैनल मोनेटाइज होने वाला है, थोड़े सब्सक्राइबर की कमी है। वॉच टाइम तो इंशाल्लाह पूरा ही हो रहा है। तो इसी के साथ आप दोस्तों से विदा चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।